मेरा नाम सफिया मोहम्मद सईद है और मैं जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रह रही हूँ, बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के शहर मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ। यहाँ से जो लड़के गए थे पाकिस्तान, वहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ में से एक लड़के हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है और फिर शादी के चंद सालों के बाद हम लोग जो हैं वो हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में अब मैं यहाँ कश्मीर में रह रही हूँ। तो इन मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 12 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इन 12 सालों में मैंने अपने सफरी दस्तावेज़ात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकी क्योंकि मुझे सफरी दस्तावेज़ात नहीं मिल सके। इसी सिलसिले में यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं कि हम ये अपील करें इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारे हक में जो है फैसला दें और हमारे लिए जो सफरी दस्तावेज़ात है वो हमें मुहैया कर सकें, ताकि हम लोग ईजीली अपने वतन आ जा सकें, अपने प्यारों से मिल सकें। और खुसूसन इंडियन गवर्नमेंट, खुसूसन सुषमा स्वराज साहिबा से मेरी ये दरख्वास्त है, मैं उनसे ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह अपील करती हूँ कि वो एक बसाते खुद एक खातून हैं और ख़ातून होने के नाते वो मैके का दर्द जो है वो समझती हैं कि ये कितना बड़ा दर्द होता है, कितना बड़ा कर्ब होता है। अगर एक महीना इंसान अपने मायके न जाए तो मतलब एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मुझे तो यहाँ 12 साल हो गए, कुछ ख्वातीन हैं जिनको 10, जिनको 15, किसी को 16 साल हो गए हैं और हम अपने वतन वापस अपने मायके, अपने वालदेन से मिलने नहीं जा सकें। इसीलिए मेरी इन तमाम इंडियन गवर्नमेंट से और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं इन सब से ये गुजारिश है, मुतबाना गुजारिश है, हमदर्दाना अपील है कि प्लीज़ खुदारा आप गॉड के वास्ते आप हमारा ये मसला हल करें और हमें हमारे सफरी दस्तावेजात मुहैया करें ताकि हम अपने वतन ईजीली आ जा सकें, अपने वालदेन से मिल सकें। हमारी तकरीबन यहाँ पर जो ख्वातीन की तादाद है वो 350 है। 350 ख्वातीन में से चंद ख्वातीन जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी हैं महज इसी वजह से, इसी टेंशन की वजह से। कुछ ख्वातीन जो हैं उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है इसी डिप्रेशन में आकर, और बहुत सारी ऐसी ख्वातीन हैं, बल्कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, जो हम डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हैं और दवाइयों के सहारे हम लोग अपनी ज़िंदगी इस वक्त बसर कर रही हैं, वो इसी टेंशन में। मुझे इस वक्त बहुत बहुत मतलब मैं किस तरह अपना दुख बयान करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं इन सब से अपील करती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें उन सब से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे सफरी दस्तावेज़ात हमें मुहैया करें ताकि हम अपने घर आ जा सकें।